रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की है ये राहें, ऊंचे स्वयमान की है ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें। परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये है रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, स्वागत है आपका रूहानी राह कार्यक्रम के इस एपिसोड में। जब भी सुबह होती है, रोशनी हमें दिखाती है रूहानी राहें। जब भी कलियां खिलती है, उसकी खुशबू हमें बतलाती हैं रूहानी राहें। जब भी चेहरे पर मुस्कान आती है, खुशी हमें समझाती है रूहानी राहें। क्योंकि रूहानी राहें वो राहें होती हैं जिन पर ज्ञान का प्रकाश हो, श्रेष्ठ कर्मों की सुगंध हो और संतोष भरी हो मुस्कान, और आप सबका जीवन ऐसा ही हो, यही है हमारा अरमान। आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको ऐसे ही एक कर्मठ जीवन से, एक ऐसे योगी से जिनके जीवन में ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म और संतोष तीनों ही एक साथ प्रकट होते हैं। आप हैं भ्राता रामनाथ भाई जी। बेहद ईश्वर से आपको प्यार है, इसलिए ईश्वर की सर्व प्राप्तियों पर आपका अधिकार है। ब्रह्मा कुमारीज के दिल्ली विकासपुरी सेवा केंद्र पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए आज मिलते हैं बीके भ्राता रामनाथ भाई जी से। ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी, आपका जन्म पाकिस्तान के मुल्तान में 1937 में हुआ। आपका जन्म एक धार्मिक व संपन्न परिवार में हुआ। मेरा लौकिक जन्म डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, जो वर्तमान समय वेस्ट पाकिस्तान में है, 1937 में एक व्यापारी और एक जमींदार परिवार के घर हुआ, जो बहुत ही भक्ति और पूजा पाठ करने वाला परिवार था। शुरू में ही छोटी आयु में 5-6 साल की उम्र में मुझे साइलेंस में बैठने का, योगा करने का शौक होता था, और मुझे ये पता नहीं था कि योग कहते किसको हैं, लेकिन मैं सायंकाल के टाइम पर योग में बैठता था। ऐसे ही मेरा जीवन लगभग 8वीं कक्षा तक, जबकि मेरी उम्र 13-14 साल की थी, ये मेरे अंदर शौक बना रहा। और मेरे जीवन में आध्यात्मिकता की इच्छा, उसको पाने की, वैसा जीवन व्यतीत करने की इच्छा प्रबल रहती थी। उस वजह से फिर मैं साधु संतों के पास, महात्माओं के पास, विद्वानों के पास मिलता जुलता रहता था। और परिवार में भी एक हमारा जो धार्मिक परिवार होने के नाते, घर में भी माताजी पिताजी साधु संतों को बुलाते रहते थे, तो उनसे भी मेरी अक्सर करके भेंट होती रहती थी। और मैं उनसे ये प्रश्न पूछता था कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है, उसने ऐसा क्या कार्य किया और कब किया जिसकी बदौलत आज संसार में सभी उसको याद करते हैं। तो इसका उत्तर मुझे कभी भी संतोषजनक नहीं मिलता था। आप बचपन से ही एकांत प्रिय थे, आपको बचपन से ही आध्यात्मिकता को जानने की इच्छा प्रबल थी। आपने कई शास्त्रों का अध्ययन भी किया, परंतु आपको संतुष्टता नहीं मिली। आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के पश्चात डिफेंस में कम्युनिकेशन विभाग के सुपरवाइजर पद पर नौकरी की। तो ऐसा मतलब जीवन मेरा 28-29 साल तक चला। मैंने पढ़ाई भी अपनी ग्रेजुएशन तक पूरी की। पढ़ाई के दौरान भी मैंने दर्शन शास्त्र वगैरह, संस्कृत और विश्व का इतिहास, उसमें रुचि रखी और उसे मैंने अध्ययन किया।
करने के बाद भी आध्यात्मिक जीवन क्या है, वो हमारे जीवन वो कैसे बन सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। आखिर एक दिन मुझे, जब मैं डिफेंस में अपने कम्युनिकेशन विभाग में सुपरवाइजर के पद पर उपस्थित था, तो रात्रि को मुझे 9 बजे ब्रह्मा कुमारी आश्रम से एक टेलीफोन आया, और टेलीफोन कर करके उस बहन ने एक दूसरी महिला को वो टेलीफोन दिया, क्योंकि उस महिला ने अपने पति जो कि डिफेंस में काम करता था उससे बात करनी थी। तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि मेरा पति ऐसे ऐसे ले लद्दाख में कहीं आगे फील्ड में हैं, हमें पता नहीं है वो कहाँ हैं, फ्रां यूनिट में हैं, और हमारा कोई पत्र व्यवहार उनसे नहीं है, हमारी आप उनसे बात करवाएं। तो मुझे उस पर थोड़ा रहम आया, मैंने रिकॉर्ड चेक कर करके, और क्योंकि वहाँ एड्रेस गुप्त रखे जाते हैं, तो मैंने ट्रेस आउट कर कर उसको मिला करके उनसे बातचीत करवाई। 10-15 मिनट बातचीत करने के बाद, टेलीफोन बंद होने के बाद, फिर आश्रम से दोबारा टेलीफोन आया रात के 9:15 के करीब। उस बहन ने धन्यवाद करते हुए मुझे ईश्वरीय निमंत्रण दिया। तो मैंने उस बहन से पूछा कि वहाँ क्या होता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ भगवान की मुरली चलती है और आप भी मुरली आकर सुन सकते हैं, आपको हमारा निमंत्रण है। तो मैंने कहा भगवान की मुरली चलती है, आप सच बता रहे हैं ये? हाँ भाई जी, मैं सच बता रही हूँ। मैंने कहा सच सच आप बता रहे हैं? फिर भी उसने यही बात कही। तो मैं ड्यूटी से ऑफ होते ही तैयार होकर 8:45 बजे वहाँ सुबह सुबह आश्रम में पहुँचा। 31 अगस्त 1966 वो रक्षाबंधन का ही दिन था, जैसे मैंने राखी बंधवाई और उसके बाद अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं भगवान की मुरली सुनना चाहता हूँ। तो बहन जी मुझे वेटिंग रूम में बिठा कर के और थोड़ी देर के लिए गई, और फिर एक चित्र स्वस्तिका का, सृष्टि चक्र का लेकर के मेरे सामने आके रख दिया। कहा कि भाई जी भगवान की मुरली आप तब समझ सकेंगे जब थोड़ा सा इस इतिहास को आप सुन लें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने सत्ययुग और त्रेता का इतिहास, श्री कृष्ण की जीवन कहानी का मुझे सुनाया। ये जो श्री कृष्ण की आपने कहानी सुनाई है, ये इतिहास हमारा किसी शास्त्र में नहीं है, किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है, किसी धर्म गुरु ने आज तक नहीं बताया, मैंने भी आज तक कहीं पढ़ा नहीं, सुना नहीं है। ये परमात्मा के सिवाय तो आपको कोई बता नहीं सकता है, लेकिन परमात्मा आपको ये मुरली सुना रहा है और ये शेवी है, तो इसका ऐतिहासिक प्रमाण क्या है? तो बहन ने मुझे बहुत से उदाहरण दिए। भारत में बहुत से तीर्थ स्थल ऐसे हैं, मंदिर हैं जिनमें शिव की यादगारें हैं, और धर्म मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, उनके पास भी इनकी सिंबल की यादगार है। तो ऐतिहासिक रीति से तो उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया। फिर मैंने उसको कहा कि भगवान अगर 1937 से आकर के ये मुरली सुना रहा है, तो आज तक भगवान ने जो भी सुनाया है मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। बहन ने दे दी मुझे। वर्तमान में आप दिल्ली के विकासपुरी में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। जब आप सुपरवाइजर पद पर सेवारत थे तो आपको ब्रह्मा कुमारी संस्था का परिचय मिला। आपने सेवा केंद्र पर जाकर ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। ईश्वरीय ज्ञान को पाकर आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए और आपको असीम शांति की अनुभूति हुई। अगले दिन फिर मैंने बहन को कहा कि मैं गार्ड से मिलना चाहता हूँ, शिव बाबा से मिलना चाहता हूँ, मैं मिल सकता हूँ उसे? तो उन्होंने कहा कि यहाँ बाबा से मिलने के लिए कुछ नियम मर्यादा हैं, उस पर आप चलेंगे तो हाँ ज़रूर आप 5-6 महीने के बाद 6 महीने के बाद हम आपको मिला देंगे। तो इत्तेफाक ये है ये कि 1 महीना वहाँ चलने के बाद संदेशी के माध्यम से बाबा ने मेरे लिए एक डायरेक्शन भेजा कि इस बच्चे को बाबा के घर में तपस्या भट्टी करवाओ। तो मैंने 10 दिन की छुट्टी लेकर के सेंटर पर रहकर वो भट्टी की, और उसके बाद मैं 2 महीने के अवकाश लेकर के, छुट्टी लेकर के अपने लौकिक परिवार में हिसार में
चला गया और वहाँ महीना व्यतीत करने के बाद मुझे सेवा केंद्र से एक पत्र आया कि हम मधुबन में दिसंबर एंड पर फला डेट को जा रहे हैं, तो आप भी अगर आना चाहते हैं, आपकी इच्छा हो तो आप भी वहाँ हमें मिल सकते हैं आकर के। तो मैंने भी उसी हिसाब उसी अनुसार अपना रिजर्वेशन करा करके और माउंट आबू पहुँच गया। माउंट आबू पहुँचा, सर्दियों का दिन था, दिसंबर एंड था, शाम के 6 बजे अंधेरा हो जाता है। तो वहाँ का जो गेट पर सिक्योरिटी वाला भाई था वो मुझे कहते हैं, भाई आपके पास पत्र है, आप कहाँ से आए हैं? हैं तो मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे जम्मू से। तो मैंने कहा आप अंदर पूछिए उनका कोई पत्र आया हो। तो पत्र भी पूछा तो पत्र भी उनका वहाँ नहीं आया था। उसने आकर मुझे कहा, भाई ना तो वो आए हैं ना उनका कोई पत्र है। तो मैंने कहा ऐसा है कि मुझे बाप से मिलना है, और बाप से मिलने के लिए बच्चे को कोई चिट्ठी की ज़रूरत नहीं होती है, बच्चा स्वयं ही चिट्ठी होता है, आप ये मेरा संदेश ना बाबा को दे दो। तो उन्होंने जाकर बाबा को मेरी ये बात हाऊ-बाऊ कह दी ऐसे ही, और बाबा ने उनको कहा कि वो बच्चा निश्चय बुद्धि बच्चा है, उसको आने दो। तो उस समय मुझे अंदर प्रवेश होने की आज्ञा मिल गई, और हवाई महल उस समय बन रहा था, पूरा बना भी नहीं था, मुझे वहाँ मतलब रहने के लिए स्थान दिया गया। लेकिन जैसे ही मैंने प्रवेश किया, मेरे सारे शरीर में जैसे बिजली चलती है, जैसे चुंबक खींचता है, इस तरीके से सारे शरीर में ना एक करंट चलने लगी, और रो रो मेरे ना जैसे गदगद हो गए वहाँ। फिर अगले दिन तो मुझे ये अनुभव नहीं हुआ, लेकिन पहले दिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ, और मुझे मतलब एक एक ये स्थल कितना शक्तिशाली है उसकी भी मुझे महसूसता हुई। इसके पश्चात आपने साकार बाबा से मुलाकात की, और उनसे मिलकर आपको एक अलौकिक शक्ति की अनुभूति हुई। बाबा से मिलकर आपको अपनेपन की महसूसता आई, उनसे मिलकर आपका निश्चय और भी बढ़ गया। इसके पश्चात आपने इस ईश्वरीय मार्ग पर सेवारत होने का दृढ़ निश्चय किया। अगले दिन फिर मैं बाबा से भी मेरा मिलना हुआ, तो बाबा ने पहला प्रश्न तो मेरे से पूछा कि बच्चे आपके वहाँ मतलब जो टीचर हैं वो पढ़ाई ठीक पढ़ाती हैं? तो मैंने कहा टीचर तो ठीक पढ़ाती हैं, लेकिन पढ़ने वाला कितना समझता है कितना नहीं समझा है तो व्यक्ति का अपनी कोई कमी हो सकती है, लेकिन टीचर ठीक पढ़ाती हैं। तो इससे मतलब बाबा मुस्कराए भी सही, और मेरे बारे में कुछ उन्होंने कि बच्चा कैसा हो सकता है, उन्होंने पत्र भी वहाँ सेंटर पर भेजा कि बच्चा निर्माणचित बच्चा है, ऐसी बच्चे की विशेषता है। फिर दूसरा प्रश्न बाबा ने मेरे से पूछा कि बच्चे आपको स्मृति आती है कि आपने मेरी कितनी भक्ति की है, और उस भक्ति का फल भी आपको राजा ही है। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा भक्ति मैंने राजाई के लिए नहीं की थी, भक्ति मैंने आपसे मिलने के लिए की थी, आप मिले मुझे सब कुछ मिल गया। फिर इसके बाद बाबा ने मेरे से दूसरा प्रश्न पूछा कि बच्चे आप शादी करने की इच्छा रखते हैं? मैंने कहा बाबा मैं शादी करता, लेकिन अब मुझे आप मिले हैं और मुझे समय का भी संकेत मिला है, अब मैं अपना जीवन उस बंधन में नहीं डालूंगा, व्यतीत नहीं करूंगा, अब मैं अपना जीवन तन मन धन आपके इस श्रेष्ठ कार्य में सफल करूंगा। तो बाबा इस बात पर भी मुस्कराए। फिर अगला प्रश्न बाबा ने मेरे से पूछा कि बच्चे आप क्या कमाते हो? तो मैंने बाबा को बताया, तो बाबा ने मेरे से कहा कि बच्चे इसको खर्च कैसे करते हो? तो मैंने जो सच्चाई थी वो बाबा को कही कि मैं जो मिनिमम मेरा मुझे ज़रूरत होती है वो मैं अपने ऊपर खर्च करता हूँ, शेष मैं इस पुण्य के कार्य में ही खर्च करता हूँ। तो बाबा ने कहा बच्चे बाबा आपको राय देते हैं कि एक हिस्सा चार हिस्से में बांटो, एक हिस्सा आप अपने ऊपर लगाओ,
एक हिस्सा आप अपने बैंक में जमा करो, वो किसी समय काम आ सकता है। तो मैंने कहा बाबा मैं सिंगल हूँ, मेरे उसकी रखने की आवश्यकता क्या है। तो बाबा ने कहा नहीं, वो जो बैंक में रखा है वो भी बाबा का है, बाबा को जरूरत होगी तो बाबा उसको इस्तेमाल करेगा और उसको बैंक में रखना है, और एक हिस्सा जो लौकिक माँ बाप हैं उनको देना है। तो मैंने कहा बाबा वो अच्छे जिम्मेदार हैं और उनको इस पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको भी दे करके क्या करेंगे। तो बाबा मुस्कुराने लगे और एक हिस्सा बाबा ने कहा कि इस सेवा में लगाओ। उन्नीस में आपने मधुबन में अव्यक्त बाप दादा से भी मुलाकात की। आप 50 साल से आध्यात्म मार्ग पर अग्रसर हैं। आप अनेक आत्माओं को परमात्मा का परिचय देते हैं। 2002 में आपको दिल्ली में ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की सेवाओं के निमित्त बनाया गया। और अंत में बाबा ने फिर लौकिक परिवार का भी समाचार पूछा, तो वो भी बाबा से हमने कहा। बाबा ने फिर पूछा कि अब यहाँ से आप लौकिक परिवार में जाएंगे घर या वहाँ ऑफिस ड्यूटी पर जाएंगे। तो मैंने कहा कुछ मेरी छुट्टी बकाया है, मैं पहले घर जाऊँगा फिर व्यतीत करने के बाद ऑफिस जाऊँगा। तो बाबा ने लौकिक माँ के लिए एक बाल्टी, खड़ावा और चकला बेलना होता है रोटियों में बेलने वाला, वो भी गिफ्ट दिया, और परिवार के लिए अच्छी टोली, ऐसे ही लौकिक पिता के लिए भी धोती और पगड़ी उन्होंने गिफ्ट दी। तो ये गिफ्ट और टोली और उनका बारे में समाचार जो बाबा ने पूछा, तो मुझे ये बात अनुभव हुई कि देखो बाबा एक मेरा नहीं है, चंद आत्माओं का नहीं है, ये सबका पिता है। तो बाबा ने मुझे वरदान दिया यंग मैन, क्योंकि एक्टिव था और उठने से बाबा ने ऐसे देखा तो मुझे ये वरदान भी दिया। कि पहली बार जब बाबा से मैं मिल करके गया, तो मैंने कुछ साल पहले सर्विस से रिजाइन दिया था जो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। तो जाते ही मुझे सूचना मिली कि आपका रिजाइन जो है ना एक्सेप्ट हो गया है, तो मुझे खुशी हुई है कि मैं छुटकारा पाना चाहता था डिफेंस से, वो मेरा मतलब बाबा से मिलने के बाद बहुत शीघ्र ही एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब मैं स्वतंत्र हो गया तो अब प्रभु का कार्य मैं सहज रीति से कर सकूँगा। उसी 68 में मैं तोता मैना सेंटर की टीचर के साथ मधुबन में भी बाबा से मिलने गया, तो फिर बाबा ने मेरे से पूछा कि बच्चे अभी क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा बाबा वो सर्विस तो मैंने छोड़ दी है। तो बाबा ने कहा आप 2-3 ट्रायल करो तो आपको सर्विस मिल जाएगी, क्योंकि उस मैं टेक्निकली क्लास 1 था तो मुझे सर्विस की कोई दिक्कत नहीं थी, मैं ले सकता था, लेकिन सर्विस का मन मेरा नहीं था। तो मैंने कहा कि बाबा एक छोटा सा बिजनेस, एक मैन्युफैक्चरिंग का मैं शुरू करने का सोच रहा हूँ। तो बाबा ने कहा नहीं बेटा चिल्लर बिजनेस मत करो, थोक होलसेल का बिजनेस, थोक का बिजनेस करो, मोटा बिजनेस करो। तो मैंने फिर एक मोटा बिजनेस आरंभ किया किसी के साथ पार्टनरशिप में। 70 और 80 के बीच में बाबा ने हमें सेवा के फील्ड में अनेक प्रकार की सेवाओं का हमें एक्सपीरियंस अनुभव करवाया। आपके प्रेरणा स्रोत बाबा और दादियां रही हैं, जिनके जीवन ने सदा ही आपका उमंग उत्साह बढ़ाया है। आप सेवा में सदा हाजी का पाठ पक्का रखते हैं। आपको जो भी सेवा मिलती है आप उसे दिल से करते हैं। सन 86-87 में हमारे एक वहाँ हाई कोर्ट के वकील थे लालचंद वस, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते थे, तो उन्होंने कुछ फॉरेनर्स को और भाई निर्वैर जी को अपने स्थान पर गेट टुगेदर के लिए इनवाइट किया था। तो उस दिन मुझे भी उस गेट टुगेदर में शामिल होना था, तो जब मुझे जाना था तो मैं बाबा के कमरे में गया, कहा कि बाबा
आज ऐसे ऐसे गेट टुगेदर है वहाँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, भाई ने प्यार से निमंत्रण दिया है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे आज आपकी लाइफ खतरे में है। तो मैं हट करके आधे घंटे के लिए बैठ गया। आधे घंटे के बाद फिर मुझे संकल्प आया कि सोचा वो शायद गृहचारी की घड़ी टल गई होगी और अब शायद बाबा मुझे छुट्टी दे देगा। मैं फिर दोबारा बाबा के कमरे में गया, मैंने बाबा से फिर वही अर्जी रखी। तो बाबा ने फिर मुझे वही बात कही। तो मैंने कहा बाबा, क्योंकि उसने मुझे प्यार से बुलाया है तो मैं ना आज साक्षी होकर ने इसको देखना चाहता हूँ। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे आप चले जाओ। तो मैं स्कूटर पर अपना उस दिशा में चला, तो जब फ्रेंड्स कॉलोनी के पास पहुंचा तो एक ट्रक बैक साइड में आकर उसने मुझे हिट मारी और मेरी पीठ के ऊपर उसका टायर आ गया, स्कूटर मेरा उसके टायर के साथ, और गाड़ी छोड़कर ट्रक छोड़कर वो भाग गया। मुझे कुछ होश नहीं था, ना मैं किसी को देख सकता था, ना पहचान सकता था, ना मुझे कुछ पता था, मैं डेड ही था एक प्रकार से। एक करंट मेरी मस्तक से प्रवेश कर करके मेरे नीचे पाँव की उंगली तक गई और फिर वापस भी उसी तेजी से आई और मैं फड़फड़ाया और फड़फड़ाने के बाद मैं बिल्कुल ओके हो गया, मेरी आंखें खुल गई। बाबा ने कहा मुझे कि बच्चे जो मेरे समय पर काम आते हैं मैं भी उनके समय पर काम आता हूँ। तो मुझे बाबा ने रियलाइज करवाया कि किस प्रकार से बच्चे आप ऐसे ऐसे टाइम पर मेरे कार्य में सहायक हुए हो, तो देखो मैं भी आज तुम्हारे काम आया हूँ ना। 2001 में हमें फिर एक विंग की सेवाओं के भी निमित्त बनाया गया, ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल विंग, एक नया विंग बना था। तो दिल्ली में ये विंग की सेवाएं जो थी इसके लिए मुझे निमित्त रखा गया और इस विंग की सेवाएं भी लगभग करते हुए हमें 15-16 साल लगभग हो गए हैं और हजारों मतलब रोड ट्रांसपोर्ट के, रेल ट्रांसपोर्ट के, और सी और एयर और टूरिज्म और ट्रैफिक पुलिस, इन महकमों की जो सेवा हमने की है हमारे द्वारा हुई है, हजारों व्यक्ति की सेवा हुई, प्रेरणा स्रोत की बात होती है। और बाबा को भी जब मैंने देखा तो कितना सिंपल बाबा, और बाबा की आयु उस समय 90 प्लस थी, और कितना उनके जीवन में अनुशासन रहा होगा, उनको शरीर को देखते ही बनता था, विचार चलता था कि साकार में भी इनके जीवन में कितना अनुशासन रहा होगा, कितना इनका चरित्र उच्च कोटि का रहा होगा, जो आज भी इस एज के अंदर इनका शरीर कितना मतलब एक स्ट्रेट शरीर है। और उनका बैठना वो भी वंडरफुल था बाबा का, और ऐसे स्ट्रेट बैठना है, बहुत कोई पीछे स्पोर्ट नहीं, कोई किसी प्रकार की स्पोर्ट नहीं है, और बच्चों से मिलना, उनका पहनना देखो तो वो भी बहुत सिंपल था, और चेहरे पर अलौकिकता रूहानियत वो एक अनोखी झलकती थी। तो ये बहुत आकर्षण थी, दादियों के चेहरों पर देखो तो वो रौनक, वो सादगी, वो सहजता, वो अपनेपन की फीलिंग देना, तो ये मेरे लिए एक बड़ा भारी आकर्षण रहा है। जो परमात्मा हमें राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई को पढ़ करके हम अपने परमपिता से अपना बर्थ राइट मुक्ति, जीवन मुक्ति का, सुख शांति का, अपार खुशी का, अनेक जन्म के लिए हम प्राप्त कर सकते हैं। मेरी ये आप सब के प्रति शुभ आशा है, शुभकामना है कि आप जरूर समय से पूर्व, युग परिवर्तन से पूर्व अपने को परिवर्तन कर अपना बर्थ राइट परमपिता परमात्मा से अवश्य प्राप्त करें। आपके जीवन का लक्ष्य भी सभी को संतुष्ट रखना है। आप एक योगी जीवन जीते हैं, आपके जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आईं,
परंतु आपने परमात्मा के साथ से अनेक परीक्षाओं को सरलता से पार किया। सरल व सहज जीवन जीने वाले ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जीवन के लिए एक आदर्श हैं। दोस्तों, आज बीके रामनाथ भाई जी से मिलते हुए आपने एक और सेवामय जीवन के बारे में जाना, और आपने ये भी जाना यदि आप अपने कर्म का निर्वाह पूरी ईमानदारी, सत्यता और प्रेम से करें तो कितना सुख और संतोष मिलता है जीवन में, और आपका भी जीवन घर परिवार में रहते हुए अपना कार्य करते हुए बेहद सुंदर हो सकता है यदि आप दिल से चाहें। और अगली बार किसी खास शख्स से फिर से मिलाएंगी आपको रूहानी राहें। ओम शांति, नमस्कार।